हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल ऑटो गर्ल। मेरा नाम है रवनीत एंड आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि बर्थडे आपके पापा आए हैं। ये लाइन सुन के तो आपको कुछ समझ आ गया होगा, द बिग डैडी ऑफ एसयूवी इज कमिंग सून ऑन 27th of June। इज कमिंग सून ऑन 27th June, कितना अच्छा राइम कर रहा है ना। तो वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाली है स्कॉर्पियो के बारे में, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में ये वीडियो होने वाली है। सो, मैं स्कॉर्पियो वन में सब कुछ डिटेल रिवील हो चुकी हैं, इसका एक्सटीरियर, इसकी क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं वो सब रिवील हो चुके हैं, वही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ झलकें देख लीजिए स्कॉर्पियो एन की। कमाल की लग रही है ना स्कॉर्पियो एन। मुबारक हो, बाप हुआ है, नाम है एन, स्कॉर्पियो एन, द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज इज हियर। कमाल लग रही है ना स्कॉर्पियो, द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, एसयूवी का बाप आ गया है। चलो, वीडियो तो आपको आपने देख ली होगी बट कुछ फीचर्स जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, आई थिंक आपको शायद नहीं दिखे होंगे, डिटेल में आपको बता देती हूँ क्या क्या फीचर्स। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। ग्रिल देख रहे होंगे आपको, कम्प्लीटली न्यू ग्रिल यहाँ पे मिलने वाली है। ये ग्रिल आपको XUV700 की याद दिलाएगी, न्यू लोगों के साथ आपको स्कॉर्पियो यहाँ पे ऑफर की जाएगी। अब आते हैं इसके लाइट सेटअप पे। यहाँ पे आपको ड्यूल पोर्ट हेडलैम्प्स मिलने वाली हैं, उसके ऊपर आप देखोगे आपको DRLs यहाँ पे मिलने वाली है, इसके नीचे आपको इंडिकेटर मिलने वाले हैं। थोड़ा सा और नीचे आओगे यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप मिलने वाले हैं, LED फॉग लैंप मिलने वाले हैं, उसके साथ आपको सी शेप के DRL भी फॉग लैंप पे साथ मिलेंगे। तो इसमें जो सारे लाइट्स हैं आपको LED कम्प्लीटली, लाइट सेटअप कम्प्लीटली LED मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो एयर डैम हेक्सागन शेप में मिलने वाला है, पहले से ज़्यादा काफ़ी वाइड हो गया ताकि अच्छे से हवा यहाँ पे जा सके। और ऊपर आप ध्यान से देखोगे ना लोगों के पास आपको 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर किया जाएगा न्यू स्कॉर्पियो एन में। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले आप देखोगे इसके अलॉय व्हील्स विद न्यू लोगो, न्यू डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। देखने में थोड़े छोटे लग रहे हैं बट 18 इंचेस के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले, ऑफर किए जाएंगे इस न्यू स्कॉर्पियो एन में। और ऊपर की तरफ देखोगे जो विंडोज़ है ना, वहाँ पे आपको क्रोम की लाइनिंग देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसकी जो लुक्स है काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पे लग रही है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको ब्लैक्ड आउट व्हील आर्क्स मिलने वाले हैं, उसी के साथ साथ नीचे साइड पे देखोगे तो आपको साइड क्लैडिंग ऑफर की गई है बट थोड़ी सी यहाँ पे स्लीक कर दी गई है, जो इसकी जो काफ़ी जो लुक्स एलिगेंट लग रही है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आप भी नीचे कॉमेंट करके बताइए आपको कैसी इसकी लुक्स लग रही है, साइड प्रोफाइल कैसी लग रही है। अब अगर आप देखोगे इसके जो क्वार्टर विंडो है वो भी, इसका साइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा लग रहा है, जो पीछे वाले पैसेंजर उनको बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं होने वाली, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। साइड प्रोफाइल भी इसकी आगे की प्रोफाइल जितनी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अब बात कर लेते हैं इसके रियल प्रोफाइल के बारे में जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही है। सबसे पहले फीचर्स की बात करूँ, यहाँ पे आपके डिफॉगर्स, वाइपर, हाई स्टॉप लैम्प, टेल लैंप्स की बात करूं तो बहुत ही प्यारी लग रही है, आपको यहाँ पे वॉल्वो की याद दिलाने वाली है ये टेल लैंप्स। उसी के साथ अगर नीचे देखोगे ना, आपको जो रियर स्कफलेट है वो पहले से स्लीक कर दी गई है जो कि बहुत ही एलिगेंट, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आप भी नीचे कमेंट करके बताएं आपको जो महिंद्रा स्कॉर्पियो की लुक्स है कैसी लग रही है, न्यू लुक्स कैसी लग रही है। अगर आप ध्यान से ऊपर देखोगे ना, आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने वाला है, हालांकि यहाँ पे देखने में छोटा लग रहा है तो इट्स ओके, बट स्कॉर्पियो में इसका सनरूफ भी आने वाला है, तो इस बात के लिए कि आप एक्साइटेड हो कि नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आई नो हो गए एक्साइटेड। कलर ऑप्शन भी यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही अग्रेसिव यहाँ पे कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं अब बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, इसमें आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन MHOG का ऑफर किया जाएगा एंड पेट्रोल में आपको M स्टैलियन का 2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा। अभी मैं पावर्स फिगर नहीं बता रही क्योंकि अभी बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है कि इसकी पावर क्या रहने वाली है। और
ऐसा नहीं है कि अगर जो महिंद्रा स्कॉर्पियो जो स्कॉर्पियो एन एल लॉन्च हो जाएगी उसके बाद जो अभी करंट चल रही है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, वो भी कंटिन्यू रहने वाली है। सो अगर आप वो बाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो ये भी बाई करना चाहते हो तो ये भी बाई कर सकते हो। अनऑफिशियल बुकिंग ओपन हो चुकी है और जल्द ही लॉन्च होने के बाद इसकी जो ऑफिशियल बुकिंग है वो भी ओपन हो जाएंगी। बात करते हैं इंटीरियर की। अब मेन मेन फीचर्स मैं बता देती हूँ क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। जो रियर सीट है थर्ड रो है वो पहले साइड फेसिंग थी, अब फ्रंट फेसिंग होने वाली है और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल वाला ऑप्शन मिलने वाला है, आपको इसमें सनरूफ मिलने वाला है, उसी के साथ साथ आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है जिसमें आपको 10 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन ऑफर की जाएगी, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग और भी कई सारे आपको इंटीरियर में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन स्कॉर्पियो, एंड इसी तरह की और भी वीडियो आती रहेंगी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी स्कॉर्पियो बारे में, मेरे चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगी और जब लॉन्च होगा वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। टेक केयर, बाय बाय।